हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पात्मकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल के ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इंडियन एयरफोर्स ने अपना एडवर्टीजमेंट जारी किया है, जिसके जरिए उन्होंने ग्रुप सी पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं कैंडिडेट से। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने 10वीं पास की है या फिर आपने 12वीं पास की और आप टाइपिंग जानते हैं, या फिर आपने 12वीं के साथ ITI की हुई है, या फिर आप स्टेनोग्राफर जानते हैं, तो आपके पास इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट पाने का एक सुनहरा अवसर है, जिसके तहत आप इंडियन एयरफोर्स में नौकरी पा सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पर, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म जो निकले ग्रुप सी पोस्ट के लिए, या फिर एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, या फिर एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें इन सभी की जानकारी के लिए हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको जारी किया है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई ऐसे ही नई नई अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन जो निकलती है, जो जॉब निकलती है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। देखिए दोस्तों, मैंने भारतीय वायुसेना का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है वो खोल रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट अंडर हेडक्वार्टर साउथ ईस्टर्न एयर कमांड IAF AOR। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट इंडियन एयरफोर्स, द पोस्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर अपेंडेड बिलो। देखिए दोस्तों, इस पर लिखा मल्टीटास्किंग स्टाफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, मेट्रिकुलेशन पास, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, और डिजायरेबल है दोस्तों इसमें 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज वॉचमैन और लेस्कर और जेस्टनर ऑपरेटर माली फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। देखिए दोस्तों, इसमें डिजायरेबल है एक्सपीरियंस, अगर ना भी हो तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालांकि दोस्तों, जो 10th पास कैंडिडेट है उनके लिए और भी बहुत सारी पोस्ट जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे दूसरा है हाउसकीपिंग स्टाफ, इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेट्रिकुलेशन पास मांगी हुई है, अगर आप 10वीं पास है तो आप इसको हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, थर्ड है इसमें LDC के लिए क्या मांगा है, 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और दूसरा इसमें कहा है दोस्तों, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन मैनुअल टाइपराइटर, मतलब कि मैनुअल टाइपराइटर पे दोस्तों आपकी जो टाइपिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरा मांगा है इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगी है। ठीक है, और इसमें जो एज क्राइटेरिया दोस्तों सभी के लिए 18 से 25 रखा गया है। ठीक है, दूसरा दोस्तों देखिए, क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए दोस्तों इन्होंने क्या है, 12th पास मांगी है और टाइपिंग मांगी है 25 वर्ड पर मिनट टाइपराइटर पे और 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड दोस्तों देखिए, 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और दोस्तों इसमें क्या है, इन्होंने स्टेनोग्राफर मांगी है। ठीक है, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट मांगा है। ऐसे दोस्तों स्टोर सुपरिटेंडेंट, इसमें ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्टोर्स कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर और कंसर्न। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्टोर कीपर, लॉन्ड्री मैन, आया पेंटर, वल्कनाइजर, सिविलियन गुड ऑर्डिनरी ग्रेड, फायरमैन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फायरमैन के लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो थोड़ा सा ज्यादा है। मैं आपको बता दूं एक बार, क्या है, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग अंडर स्टेट फायर सर्विस और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट, मतलब इसमें दोस्तों आपको ट्रेनिंग चाहिए फायर फाइटिंग की। दूसरा है दोस्तों, एक मस्ट बी कंजर्वेंट विद द यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑल टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सभी के सभी इसमें मांगा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें और क्या बताता है, फिजिकल क्वालिफिकेशन इसकी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, ये तो उसके फायरमैन के लिए ही है, बस और सिर्फ फायरमैन के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है, आप बिल्कुल भी इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें हम मैं आपको बता दूं इसके बारे में बता रखा है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेयर एप्लीकेंट डिजायर, देखिए द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू चूज द स्टेशन एंड अप्लाई द डिजायर द लोकेशन ऑफ द स्टेशन और नंबर ऑफ द पोस्ट अपेंडेड। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये इस बार जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन है। ठीक है, तो आप देखिएगा दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रीड आउट कीजिएगा और अपनी वैकेंसी को देखिएगा, कौन से स्टेशन में आपकी कैटेगरी के लिए वैकेंसी ज़्यादा है तो आप वहां से उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर स्टेशन दे रखे हैं, देखिए दोस्तों, जैसे स्टेशन दे रखा है इसमें, मेस स्टाफ के लिए एक है अनरिजर्व के लिए, मेस स्टाफ एक OBC के लिए, मेस स्टाफ तीन जो है, एक EWS के लिए, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए, मेस स्टाफ 1 OBC, इसमें सभी कैटेगरी वाइज बता रखा है। ठीक है, और देखो दोस्तों, ये जो
ये एयरफोर्स स्टेशन है जैसलमेर, जैसलमेर या इनका एड्रेस दे रखा है, मतलब कि आप पूरा का प्रॉपर एक फॉर्म भर करके और इस एड्रेस पे आप इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसमें आप ग्रेड पे बताया गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए दोस्तों, ये जोधपुर का है, राजस्थान का, वहाँ पे स्टेशन में कितनी कितनी वैकेंसी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो है, ये है वडोदरा का, गुजरात का, यहाँ पे ये स्टेशन है एयरफोर्स स्टेशन, इसमें भी पूरे के पूरे डिटेल में बताया गया कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से आप अपने आप को फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आप कैसे करें इसको। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाउ टू अप्लाई में बता रखा है इसमें, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशंस, एप्लीकेशन ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश या फिर हिंदी एज पर द फॉर्मेट गिवन बिलो। अभी इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे फॉर्म का, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वो फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए लास्ट में इन्होंने कहा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी, जो आपको पोस्ट करना है, जो उसमें ऊपर जो उसका एनवेलप होगा उसको साफ साफ उस पर आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश एंड कैटेगरी, आपकी कौन सी कैटेगरी है और आप कौन सी एप्लीकेशन, मतलब कौन सी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसको एड्रेस क्या है दोस्तों, उस पर विद सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद कैन पोस्टेड ड्यूली इफेक्ट, मतलब कि दोस्तों देखिए, 10 रुपये की पोस्टल स्टैम्प के साथ दोस्तों आपको एक उसके अंदर एक मतलब कि एक एनवेलप रखना है जिसपे आपका सेल्फ एड्रेस होगा, ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट, एयरफोर्स स्टेशन वाले आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ विद पोस्टल मीडियम, ठीक है। मतलब कि दोस्तों क्या है, वो पोस्ट के जरिए आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, इसलिए आपको 10 रुपये की स्टैम्प के साथ आपको उसमें क्या है, एक एनवेलप सेल्फ एड्रेस उसमें रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। देखिए दोस्तों, कल ही के न्यूज़पेपर में इसको मतलब पब्लिश किया गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो कल से आप लगा लीजिए, कल से 12 तारीख से लेकर के आप क्या है 10 मार्च से पहले इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, मतलब कि पोस्ट कर सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन में, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट केस में बताया गया, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस एंड कास्ट सर्टिफिकेट ETC ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आर टू अनेस्ट विद द एप्लीकेशन, मतलब कि आपको खुद क्या सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। और दूसरा एक थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इसमें, इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर रिजर्व्ड कोटा, देयर कास्ट शुड बी लिस्टेड अंडर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, मतलब दोस्तों सेंट्रल लिस्ट होती है OBC की, उसके अंदर आपकी जो कास्ट है वो उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब जनरल पॉइंट्स में क्या कहता है, अनरिजर्व SC शेड्यूल्ड कास्ट ST ट्राइब और अदर बैकवर्ड या फिर क्लासेस या फिर एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड विजुअली हैंडीकैप्ड, ये क्या है दोस्तों, देखिए क्या है, एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स फॉर OBC, 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 10 ईयर्स ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप, एडिशनल 5 ईयर इन केस ऑफ फिजिकली, ठीक है। बी कहता है दोस्तों इसमें जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 6 मंथ्स, देखिए तो एक्स सर्विसमैन के लिए हमारे लिए नहीं है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। सी पॉइंट है, SC ST OBC फिजिकल कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, मतलब कि जो भी SC ST या फिर OBC कैंडिडेट्स हैं, अगर वो किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई करते हैं जहां पे SC की पोस्ट नहीं है और वहां पे उनको अप्लाई जो अनरिजर्व पोस्ट से अगर वो करते हैं, तो वो उनको एज में कोई भी रिलैक्सेशन यहां पे नहीं दिया जाने वाला, ये बात नॉर्मली यही बात कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आगे क्या है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हमारे लिए नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है, फिफ्थ मेन पॉइंट है, द एप्लीकेशन मोड ऑफ सिलेक्शन, द एप्लीकेशन आर स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट, मतलब क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी छटनी की जाएगी एज के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स आपने क्या प्रोवाइड कराए हैं SC के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग पहले आपकी छटनी की जाएगी, उसके बाद आपको क्या है रिटर्न टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। और मैंने आपको जो बताया दोस्तों, सेल्फ एड्रेस एक एनवेलप जिसमें 10 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगी होगी या फिर 10 रुपये का आप जिसको टिकट कहते हैं वो होगा, उसी के जरिए वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उसी एनवेलप में आपका रिटर्न के लिए जो एडमिट कार्ड है वो भेजा जाएगा। तो आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से वो रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर बी में, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर रिटर्न टेस्ट, द रिटर्न टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाएगा। थर्ड क्या कहता है, द रिटर्न टेस्ट विल कंसिस्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शन आने वाले हैं। द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, जो इंग्लिश और हिंदी में ये पेपर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, द रिक्विजिट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर स्किल या फिर प्रैक्टिकल या फिर फिजिकल टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेरिट कैटेगरी इन द रिटर्न टेस्ट, मतलब कि दोस्तों जैसे जैसे आपकी मेरिट, मतलब जैसे आप मार्क्स उसमें ऑक्यूपाई करेंगे उसमें जो भी रिटर्न टेस्ट होगा उसके आधार पर ही आपको क्या है आगे का जो फर्दर प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों,
शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स कॉपीज ऑफ विच वर एनेक्स्ड विद द एप्लीकेशन. क्या है दोस्तों, मतलब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको क्या है दोस्तों, आपके कॉपीज लेके आनी पड़ेगी, जो भी मतलब कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनकी कॉपी के साथ वो लेके आना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं. देखिए दोस्तों, ये उन्होंने एक अपना फॉर्मेट दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसको आपको भर के अपने हाथ से और वो साइंड करना है एयरफोर्स स्टेशन में, जहाँ पे भी आपके अकॉर्डिंग अच्छी वैकेंसी है या फिर आप जिसके लिए एप्लीकेबल है वो वैकेंसी वहां पे है, तो वहां पे आप उसको एड्रेस पे उस पर सेंड कर सकते हैं. सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर वो लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है ब्लॉक लेटर में, फादर या फिर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज एज लास्ट प्रेस्क्राइब्ड रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, मतलब कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तब उस समय आपकी क्या एज है पूरा का पूरा मंथ और डेज में लिखना है, एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, ठीक है, कास्ट जहां से आपकी है, कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, ये सभी आपको लिख करके वहां पे सेंड कर देना है. सिग्नेचर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखना. डोमिसाइल क्या है दोस्तों, एक डोमिसाइल की कॉपी भी आपकी लगनी है, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट. ठीक है, जिसका भी डोमिसाइल ना हो तो दोस्तों आप डोमिसाइल जरूर बनवा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 दिन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों. देखिए आगे क्या है, ये फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली है, ये मतलब कि जो भी एयरफोर्स स्टेशन में जिसको भी फॉर्म रिसीव होगा वो अपने आप से इसको फिलअप करेगा. तो ठीक है दोस्तों, ये था पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. दोस्तों अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद जय भारत.